जय हिंद दोस्तों, यूडीसीआरए में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे आयरलैंड और भारत के बीच में होने वाले दूसरे T20I मैच की। दोस्तों, जहां भारत पहला मैच बहुत आसानी के साथ DLS मेथड से जीत गया, वहीं दूसरा जो T20I है वो उसे इतना आसान नहीं रहेगा। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों है, मतलब अगर वो पहला आसानी से जीत गया तो वो दूसरा क्यों नहीं जीत पाएगा। दोस्तों, दूसरे मैच में आयरलैंड एक बड़ा चेंज करने वाला है। एक तो उसे एडवांटेज है कि उसका घर में मैदान है ना, और दूसरा एडवांटेज है वो ऐसा प्लेयर जिसको उसने फर्स्ट T20 में खिलाया नहीं था और अभी वो फिट है और वो खेलेगा। वो प्लेयर आप जानते हो, लेकिन आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हो, है ना। खैर, वो भी आपको बताया जाएगा, लेकिन उससे पहले तो विलेज मैलहाइड डबलिन, है ना, डबलिन का ग्राउंड है दोस्तों। आज ही मैच है दोस्तों, शाम को मैच है 7:30 बजे रात को, है ना। सबसे पहले जो पिछला मैच हमने खेला उसके कमेंट्स देखिए आप लोग, है ना। पहला कमेंट अगर पढ़ना चाहें तो दोस्तों आपको भी यही टीम मिलती है ना। फर्क केवल इतना है, आप कहोगे कि ये लोग इतना जीत जाते हैं लेकिन हम नहीं जीतते, यही फर्क है। नहीं दोस्तों, एक और फर्क है। वो क्या फर्क है? ये लोग वीडियो पूरा देखते हैं और आप पहले 2000 मिनट देखा या अंत में प्राइम टीम लेके चले पड़े, और फिर आपको पता है क्या हो जाता है? नहीं दोस्तों, जो मैं 15-20 मिनट आपको इतना समझाता हूँ ना, जब तक आप वो 15-20 मिनट अपनी लाइफ के इस वीडियो को नहीं दोगे ना, आप नहीं जीत सकते, ठीक है। यहाँ पे एक बंदे का कमेंट भी था, मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था। ये देखिए सेकंड कमेंट पढ़िए। आपका जैसा एक्यूरेट प्रिडिक्शंस देने वाला कोई नहीं है सर, आपका वीडियो मैं पूरा देखता हूँ, कुछ भी स्किप नहीं करता हूँ। देखा इसका मतलब क्या है? वीडियो जब तक आप पूरा नहीं देखोगे आप ये ऊपर वाले 55,000 नहीं जीत सकते, है ना। अब पता नहीं लगाए कितने होंगे इसने, है ना। आप खुद सोचिए। अब ये देखिए सर, कल मैंने आपकी टीम से खेला अप टू मिनी GL तक, क्लीन स्वीप करके गया। क्लीन स्वीप का मतलब समझते हो आप, फर्स्ट आके गया ये बंदा, और कितने जीत के गया? 2 लाख जीत गया। अब 2 लाख जाहिर सी बात है बैट बॉल 11 या ड्रीम 11 पर ही जीता होगा, है ना। अब आप देखिए दोस्तों फर्क क्या है आप में और इनमें, क्या फर्क है? केवल ये 15-20 मिनट लाइफ के इस वीडियो को देखते हैं, एक लाइक करते हैं, एक अच्छा सा कमेंट करते हैं और टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़ते हैं। सिर्फ ये 2-3 काम करते हैं और ये 55,000 जीत जाते हैं, ये 2 लाख जीत जाते हैं, 10 रुपये लगा के या 20 रुपये लगा के या 100 रुपये लगा के, है ना। और आप 100 लगाते हो 50 मिलता है, यार 50 का लॉस हो गया। क्यों स्किप 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 स्किप? नहीं, स्किप नहीं करना, ठीक है। अगला कमेंट देखिए, ये लो ये बंदा भी 19,000 जीत गया, है ना। इसे टेलीग्राम वाली टीम फॉलो की थी, लेकिन आपको भी पता टेलीग्राम पे इतनी भी प्राइम टीम नहीं मिलती। क्यों? नीचे जो लिखा होता है ना टेलीग्राम पे वो प्राइम होता है और वो आप मिस कर जाते हो, है ना, थोड़ा ध्यान दो। अब ये देखो सर आप अरे भगवान नियम, सर आप भगवान हो? नहीं, मैं फर्स्ट T20I में आपकी टीम लगाकर 3rd रैंक पे आई। 3rd रैंक का मतलब समझते हो आप, आपका थर्ड आ जाए, वारे नारे हो जाए आपके। अब ये देखो ये बंदा, सर आपकी टीम कमाल की है, आपकी टीम से मैं रोज 10 से 15 हज़ार जीत रहा हूँ। अब देखिए आप लोग, आप जीते कभी? कभी नहीं जीते यार, फॉलो करिए जीत जाओगे। टेलीग्राम, यूट्यूब तो आपने सब्सक्राइब कर लिया, ये कमेंट्स देख के सबने नीचे वाला सब्सक्राइब वाला बटन दबा दिया है। आपने नहीं दबाया? अरे जल्दी दबाओ यार, भूल गए क्या? जल्दी सब्सक्राइब करो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बैट बॉल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप कहेंगे बैट बॉल ज़रूरी क्यों है ना। ये देखिए दोस्तों, बैट बॉल पे 10,000 का फ्री गिव अवे लगाए और 20 रुपये डिस्काउंट पे आपको ग्रैंड लीग मिल रही है। देखो साथ में लिखा हो ना, ग्रैंड लीग लिखी हुई है और ये 10,000 का फ्री गिव अवे मिल रहा है, केवल और केवल आपको बैट बॉल 11 दे रहा है। तो आपके लिए बैट बॉल 11 बहुत जरूरी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और ये तो रही बात ग्रैंड लीग की, हेड टू हेड भी देखिए दोस्तों, सारे प्लेटफॉर्म्स में से सबसे सस्ते हेड टू हेड के रेट बैट बॉल 11 पे है। कहाँ पे है? बैट बॉल 11 पे, नीचे लिंक पड़ा है दोस्तों, जल्दी खेलिए, बैट बॉल से अच्छा ऐप कोई नहीं है। अब देखिए पिच रिपोर्ट कौन दे सकता है आपको? UDCR दे सकते हैं यार, आपके सामने है दी विलेज मैलाहाइट, है ना, डबलिन पिच रिपोर्ट, है ना। एनालिसिस बहुत अच्छे किए हमने, और यहाँ तक देखिए आपको पिच तक की फोटो तक दे दी मैंने। अब एक मिनट देखिए, अगर ये हाइट ये बड़ी हो सके अगर इस तरीके से, हाँ हो रही है, हो रही है। देखो ये देखिए, अब इस पिच को ध्यान से देखिए, पिच में आपको कहीं पर भी हरापन दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। ये देखो यहाँ पे जरूर एक हल्का सा मार्क दिख रहा है, लेकिन ये हरे वाला मार्क नहीं है, ये कोई ऐसे ही कुछ है। वरना पिच दिखे बिल्कुल आपको ना पाटा विकेट दिखेगी, ग्रीन आपको कहीं दिखेगा ही नहीं, है ना। आपको देखो आइडा साइड में कितना ग्रीन दिख रहा है, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ग्रीन नहीं दिख रहा। समझिए यार कंसेप्ट को, समझिए, यहाँ पे आपको ग्रीन विकेट नहीं मिलने वाली, यहाँ पे आपको पाटा विकेट मिलेगी। पाटा विकेट का मतलब समझते हो यार, स्पॉट विकेट है, बैटिंग विकेट है, कुछ नहीं है किसी के लिए। यहाँ पे स्कोर्स बड़ा बनेगा, है ना, छोटा कर देते हैं इसको। ये देखिए तब तो तभी तो एवरेज स्कोर 161 है, और स्कॉटलैंड मारा था, हाईएस्ट स्कोर स्कॉटलैंड की वजह से आया था, 52 रन आया था।
अब देखिए 252 रन यहाँ पे स्कॉटलैंड ने लगाए हैं, जबकि लोएस्ट स्कोर होम टीम ने ही लगाए हैं, आयरलैंड के 252 है, नहीं सॉरी 70 रन है। तो अब देखिए पिच कंडीशंस यहाँ पे कितनी है, बैलेंस्ड है, लेकिन थोड़ा सा बैटिंग के फेवर में रहेंगी, मैं फिर बता रहा हूँ। ये देखिए टोटल मैचेस यहाँ पे 17 हुए हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता। बैटिंग फर्स्ट ने 7 मैच जीते हैं, सेकंड वाली ने 10 जीते हैं, ठीक है। जबकि वेन्यू स्कोरिंग पैटर्न की बात की जाए, 150 से नीचे भी 8 बार बनाए और 190 से ऊपर भी 5 बार बनाए, है ना, मतलब समझ रहे हो। अगर इसकी आयरलैंड की बैटिंग आई तो 150 के आसपास बनेगा, लेकिन भारत की बैटिंग आई तो 200 क्रॉस जाएगा, है ना। थोड़ा सा समझा करिए कि पिच रिपोर्ट का मतलब क्या है, मैं क्या समझाना चाहता हूँ आप लोगों को, है ना। अब देखिए आगे करते हैं, ये देखिए 18 अगस्त को जो मैच हुआ, 139 रन इसने बनाए, आरएस टीम ने बनाए, पेसर्स ने 5 विकेट लिए, स्पिनर्स ने 2 विकेट लिए, भारत की बैटिंग आई 2 विकेट गिरे, दोनों के दोनों विकेट पेसर्स के खाते में गए, है ना। अब आप देखिए बहुत आसानी के साथ मैच जीत गया, हालांकि अभी कोई प्रेडिक्शन नहीं है बारिश की, लेकिन जो लगभग 1 साल पहले मैच हुआ था, बहुत हाई स्कोरिंग वेन्यू गया यहाँ पे, भारत ने बनाए 225 रन, जबकि आयरलैंड की टीम 221 रन ही बना पाई, है ना। और पेसर्स ने लगभग मैच के सारे विकेट्स लिए, 11 में से 10 विकेट पेसर्स को मिले। तो अभी हमें यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है मैक्सिमम विकेट्स पेसर लेके जाएंगे, है ना। अब देखिए पॉसिबल प्लेइंग 11 फॉर इंग्लैंड साइड, साइड में इंग्लैंड बोल गया, आयरलैंड साइड दोस्तों पॉल स्टर्लिंग और वेलबरिन ओपन करेंगे, लॉर्कन टकर इनके बाद आएंगे, विकेट कीपिंग की ड्यूटी सी संभालनी है इनको। हैरी टैक्टर दोस्तों बहुत अच्छा नाम, एक बहुत उभरता सितारा इस टीम का। कुर्टिस कैंपर एक एन ऑलराउंडर दोस्तों, जॉर्ज टॉकरेल अनदर ऑलराउंडर, मार्क अडायर बॉलिंग ऑलराउंडर दोस्तों, बैरी मेकार्थी प्रॉपर बॉलर, क्रेग यंग एक अच्छे बॉलर दोस्तों, जोशुआ लिटल एक आईपीएल खेलने वाले बॉलर दोस्तों, बेन वाइट, है ना। कुछ बड़े बड़े नाम आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, अगर बात करना चाहे स्टर्लिंग, लॉर्कन टकर, बेलवरीन भी है वैसे, हैरी टेक्टर, कैंपर दोस्तों, मार्क अडायर, क्रेग यंग या बैरी मैकार्थी, लिटल भी है दोस्तों, काफ़ी बढ़िया बढ़िया नाम है इनके पास भी। लेकिन अब ये नाम चल इसलिए नहीं रहे क्योंकि दूसरी टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो भारत की बी टीम ज़रूर है लेकिन वो ज़्यादा स्ट्रांग है। अब देखिए पॉल स्टर्लिंग कुछ नहीं कर रहे, आप तो केवल ये रिसेंट फॉर्म देखनी है, 11 रन, 28 रन, 19 रन, 21 रन, 35 रन, कुछ भी नहीं है। एंडी बेलवरिन 4 4 25 53 26, केवल एक 53 रन लाया है, शायद किसी वीक टीम के अगेंस्ट आया होगा, क्योंकि भारत के अगेंस्ट को बोलती बंद है इसकी। टक्कर टक्कर की तो सब कुछ ही है दोस्तों, बिल्कुल जीरो, लेकिन उससे पहले 133 रन की काफ़ी अच्छी पारी आई है, तो ये तो कह सकते हैं कि फॉर्म तो है बंदे के पास। हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो हैरी टेक्टर 9 रन, 0 रन, 37 रन, 2 रन, 86 रन, ठीक है दोस्तों, फॉर्म भी है नहीं भी है, वैसे नहीं तो ज़्यादा है। कुर्टिस कैंपर 39 रन, 32 रन, 101 रन, 49 रन, यानी प्रॉपर प्लेयर जिसको टीम में लिया जाएगा, है ना। तो एक प्लेयर हमें मिल चुका है जो हमारी टीम में आएगा, उसके बाद बात करते हैं जॉर्ज डॉकरल। डॉकरल दोस्तों देखो, अगर तो बैटिंग आई तो बढ़िया खेल रहा, क्योंकि प्लेयर बहुत अच्छा है, बॉलिंग कर भी रहा है लेकिन विकेट्स नहीं मिल रहे। आप देखिए ना, कोई भी मैच में हमें विकेट नहीं दिख रहा, इनफैक्ट 2 3 मैचों में तो इसकी बॉलिंग भी नहीं दिख रही हमें। आगे बात करते हैं मार्क अडायर। मार्क अडायर दोस्तों आप देखिए बॉलिंग में लगभग एक एक विकेट ही ले रहा है, लेकिन विकेट लेस भी रह रहा है और 2 मैचों में बड़ा स्कोर भी दिख रहा है, यानी लिया जा सकता है, क्योंकि आयरलैंड की टीम का ना कोलैप्स तो हो गई होगा। वेरी मेगार थी हर बार वो 51 रन नहीं ठोकेगा, ये बात ध्यान रखिए, जिन लोगों ने पिछले मैच में उसको लिया है वो केवल ये सोच के लें आज के मैच में कि ये बंदा बॉलिंग अच्छी करेगा, एक आधी विकेट लेके जाएगा, क्यों, क्योंकि हर मैच में ये 51 रन ठोक दे ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि बॉलर है। क्रेग यंग ये टीम में होना चाहिए, काफ़ी बढ़िया प्लेयर है दोस्तों, को 2 विकेट, 4 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, हर बार विकेट लेस है दोस्तों ये। जॉशुआ लिटल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स ऑफ दिस टीम दोस्तों, इसको भी आपको टीम में रखना है। ये एक और प्लेयर है बेन वाइटे दोस्तों, है ना। तो कुछ अच्छे प्लेयर्स हमें मिले, बेन वाइटे का नाम आएगा, जो लिटल का नाम आएगा, यंग का नाम आएगा, एडायर का नाम आएगा, कुर्टिस कैंपर का नाम आएगा, 3 4 नाम है हमारे पास।
शुरू में ओवर और डेथ में ओवर कौन से प्लेयर करेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ये आपको पता होना चाहिए। अडायर करेंगे, लिटल करेंगे और बैरी मैकार्थी करेंगे, है ना? यानी क्रेग यंग नहीं करेंगे, तो बैरी मैकार्थी टीम में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अडायर, लिटल और क्रेग यंग को लेना ज़रूरी है। अगर यंग डेथ में बॉलिंग कर रहे हैं और हर मैच में विकेट ले रहा है, तो यंग विल बी एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर फॉर दिस टीम, ठीक है? और फैंटेसी टीम विल इंक्लूड क्रेग यंग। बैरी बेलबरीन को किसने तंग किया है? बेलबरीन, अरे सबको, बुमराह ने तो पूरी दुनिया को तंग किया है दोस्तों, है ना? एंडी बेलबरीन 5 रन 5 बॉलों में 1 बार आउट किया है ना? पॉल स्टर्लिंग को बिश्नोई ने भी आउट किया है, बुमराह ने भी आउट किया है। और हमारी टीम में ये दोनों बॉलर रहेंगे, यानी हमारी टीम में आयरलैंड टीम के दोनों ओपनर नहीं रहेंगे। लॉर्कन टकर, टकर को भी बुमराह ने, अरे बुमराह ने सबको तंग किया है यार, है ना? हैरी टैक्टर, इसको प्रसिद्ध कृष्णा ने लास्ट मैच भी तंग किया है, तो ले सकते हैं। मतलब एक मैच भी आउट हो गया, लेकिन तंग करने वाली तो कोई बात नहीं है ना। कुर्तिस कैंपर, अर्शदीप ने तंग किया है इसको दोस्तों, डॉक्टरल को तो सबने तंग किया है, मतलब इनके प्लेयर्स चल ही नहीं पा रहे, है ना? अब बारी है दोस्तों भारत की पॉसिबल प्लेइंग 11 की। गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा इम्पॉर्टेंट प्लेयर, संजू सैमसन, शिवम दुबे और रिंकू सिंह इम्पॉर्टेंट प्लेयर, वॉशिंगटन सुंदर दोस्तों, प्रसिद्ध कृष्णा, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह कैप्टन ऑफ दिस टीम, अर्शदीप सिंह। ये क्या शिवम दुबे को कैप्टन लिखा हुआ है? तो शायद ये गलत है दोस्तों, है ना? शिवम दुबे नहीं है कैप्टन दोस्तों, कैप्टन है यहाँ पे, ये गलती से लिखा गया होगा, इसे इग्नोर कर देना दोस्तों, हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर कभी कभी गलती कर देते हैं, है ना? लेकिन कोई बात नहीं, यूडीसी आ रहे बैठे हैं उनकी गलतियाँ सुधारने के लिए, है ना? तो बुमराह हमारी टीम के कैप्टन है, यशस्वी जायसवाल, है ना? तो यशस्वी जायसवाल दोस्तों इन फॉर्म प्लेयर, है ना? 24, 5, 84, 50 इन फॉर्म प्लेयर। गायकवाड़ इन फॉर्म तो है, चलेंगे भी दोस्तों, प्रिंस ऑफ चेन्नई कहते हैं इनको, प्रिंस ऑफ CSK। तिलक वर्मा, ये जो इम्पोर्टेंट प्लेयर है, इनको लेना पड़ेगा दोस्तों। संजू सैमसन को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन अगर ये ऊपर आ गया ना, तो ये सबको नीचे कर देगा, है ना? ध्यान रखना। शिवम दुबे, नहीं दोस्तों, नहीं, बैटिंग ही नहीं आ रही, तो नहीं ही निकलेगा। रिंकू सिंह, नहीं, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर नीचे, अदरवाइज फील्डिंग के इम्पॉर्टेंट पोजीशंस पे रहेगा प्लेयर, बैटिंग के डेथ में करने आएगा, तो पॉइंट्स तो देगा, है ना? पॉइंट्स तो देगा। वॉशिंगटन सुंदर बॉलिंग करेगा, विकेट लेगा कि नहीं लेगा कुछ नहीं पता, तो इग्नोर करेंगे। प्रसिद्ध कृष्णा, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, ऐसा होता है रिकॉर्ड। इस प्लेयर को टीम में जरूर रखना है दोस्तों आपको, है ना? जस्ट वेट। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा ब्रेक पड़ गया था, थक जाते हैं एक्चुअली, इतना ज़्यादा कंटिन्यूसली बोलना हमारे लिए भी आसान नहीं है। लेकिन आप प्रसिद्ध कृष्णा के विकेट्स देखिए दोस्तों, स्किप तो बिल्कुल ही मत करना वीडियो, है ना? 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, लेना बनता है, बिल्कुल लेना बनता है। रवि बिश्नोई, रिकॉर्ड जैसा मर्जी हो, विकेट या 2-3 लेके जाएगा, है ना? तो टीम में रहेगा। बुमराह, ये भी टीम में रहेगा। अब आप कहेंगे भारत के 11 में से 12 प्लेयर ले लें, लो यार अगर ले सकते हो तो सभी बढ़िया है ना? अर्शदीप सिंह, आप कहोगे इसे भी लेना है, लेना ही पड़ेगा यार, है ना? स्टार्टिंग के ओवर्स कौन कौन करेगा? अर्शदीप सिंह, बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा, 3 प्लेयर ऐसे हैं जो आपको स्टार्टिंग और डेथ दोनों में दिखेंगे, है ना? और ये तीनों आपकी टीम में होने चाहिए। चौथा आ गया आपका रवि बिश्नोई, यानी वॉशिंगटन सुंदर की कोई जगह नहीं है टीम में, क्योंकि 4 के बाद 3 प्लेयर और लेने, क्योंकि हमें खेलना तो बैट बॉल 11 पे है ना, बैट बॉल पे पुराने वाले रूल्स हैं, ड्रीम 11 को छोड़कर किसी भी आप ऐप पे खेल सकते हो। अब देखिए, क्रेग यंग ने जायसवाल को आउट किया, ऋतुराज गायकवाड को भी इन्होंने तंग किया, लेकिन आउट शायद किसी और ने किया, तिलक को भी क्रेग यंग ने आउट किया, संजू सैमसन, मार्क अडायर और जोशुआ लिटल ने इनको तंग किया है, बाकी किसी का मैचअप नहीं है। अब देखिए, ये प्राइम प्लेयर्स की लिस्ट है। टक्कर, मैंने बोला टक्कर इंपॉर्टेंट है, सैमसन को मैंने डाला है, लेकिन बैटिंग नीचे करेगा, है ना? तो इग्नोर कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, स्टर्लिंग, तिलक, टैक्टर, जायसवाल और गायकवाड, है ना? अब देखो, तिलक और जायसवाल तो हो गए इन फॉर्म प्लेयर, टैक्टर
एक्टर इंपॉर्टेंट है, स्टर्लिंग बहुत तकड़े प्लेयर है ना, गायकवाड़ ओपनिंग है, प्रिंस ऑफ सीएसके, दैट्स व्हाई वो टीम में आपको नजर आ रहे हैं। उसके बाद कैंपर, टॉकरल, सुंदर, सुंदर मैंने जस्ट लिखा है लेकिन लेने आपको कैंपर है, कुर्तिस कैंपर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। तब देखिए बॉलिंग सेक्शन भरा पड़ा है, जो चार बॉलर मैंने आपको बोले थे भारत की तरफ, चारों आपको दिख रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे आपको वेरी मैकार्थी दिख जरूर रहा है, लेकिन मेरे अपने कंप्यूटर बटर को बोला था यहाँ पे मार्क अडायर को लाना है, तो वो गलती कर गया बेचारा। यहाँ पे आप मार्क अडायर को लिखना है, आपको वेरी मैकार्थी आपको यहाँ पे नहीं लिखनी है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट टी20 आई का अगर हम एनालिसिस करना चाहें तो डेथ बॉलिंग, सबसे पहले आप देखिए डेथ बॉलिंग किसने की थी, अर्शदीप बुमराह, अर्शदीप प्रसिद्ध कृष्णा, बुमराह प्रसिद्ध कृष्णा, 5 ओवर के 3 बॉलर तीनों अपनी टीम में रहेंगे, है ना। बुमराह ने 2 विकेट लिए, कृष्णा ने 2 विकेट लिए, रवि बिश्नोई ने 2 विकेट लिए, है ना, अर्शदीप को 1 विकेट मिला, और ये चारों प्लेयर अपनी टीम में रहेंगे। बैटिंग की बात की जाए तो फर्स्ट इनिंग्स में बेलवरी नहीं चला, बिश क्या नाम है इनका, ये भी नहीं चले, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, कोई चला ही नहीं यार, नीचे मैकार्थी चला, लेकिन मैंने मार्क अडायर का नाम बोला था तो मार्क अडायर वहाँ पे कर लेना, है ना। अब यहाँ पे इनका देखिए क्रेग यंग 1 ही ओवर में 2 विकेट ले गया, बंदा बहुत बढ़िया है, लेकिन जीत भी इसी के ओवर में प्राप्त हुई, हालांकि वो औपचारिक मात्र था, है ना। अब देखिए जयसवाल और ऋतुराज ने ही पूरा खेल समाप्त कर दिया था, इनके तो अभी देखने को मिले ही नहीं डेथ बॉलिंग, है ना, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अब देखिए ये फाइनल टीम नहीं है दोस्तों, क्योंकि कुर्तिस कैंपर हम रिस्की टीम में जीएल में कैप्टन बनाएंगे, स्मॉल लीग में ये कैप्टन नहीं रहेगा, वो मेरा एक पर्सनल प्लेयर है, वो आपको दिखाया जाएगा, है ना। तो अगर आपको यूडीसीआर की फाइनल टीम चाहिए तो टेलीग्राम पे सब्सक्राइब जरूर करिए, धन्यवाद।